आज 26 मई 2017 है, ठीक 3 साल पहले आज के दिन पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन के नारे के साथ देश की बागडोर संभाली थी। और 3 साल पूरे होने पर मोदी सरकार का नया नारा है, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है, दिया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज असम पहुंचे, जैसा कि आपको हमने बताया, और जहां उन्होंने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। यह पुल देश के 2 पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश के फासले को खत्म कर देगा। सादिया और ढोला को जोड़ने वाले इस पुल को ढोला सादिया ब्रह्मपुत्र पुल का नाम दिया गया है। और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस वक्त का इंतजार था वो आ चुका है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण द्वारका से यहां आए थे और अगर 2004 में अटल सरकार बनती तो यह पुल पहले ही बन जाता। प्रधानमंत्री ने कहा यह पुल सिर्फ असम ही नहीं बल्कि देश के लिए गौरव है। यह पुल अरुणाचल और असम को जोड़ रहा है। यह पुल सिर्फ पैसे ही नहीं बचाएगा बल्कि आर्थिक क्रांति भी लाएगा। पीएम ने किसानों को सौगात देते हुए कहा कि अरुणाचल के अदरक किसानों के लिए नया बाजार खुलेगा। उन्होंने कहा कि विकास को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें देख रहे हैं जिस पुल का उद्घाटन किया है, और वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शानदार पुल। तो अब आपको बताते हैं कि देश के सबसे लंबे पुल की खासियत क्या कुछ है। आपको बताएं, पुल 9.15 किलोमीटर लंबा है, 9.15 किलोमीटर। असम के तिनसुकिया जिले में यह बना है, और आपको बताएं कि ढोला और सादिया को यह पुल जोड़ेगा। और पुल बनने से असम और अरुणाचल की दूरी बेहद कम होगी। 8 घंटे का सफर 4 घंटे में पूरा होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं 4 घंटे का वक्त जो है वो बचेगा। रोजाना 10 लाख रुपए के डीजल और पेट्रोल की बचत होगी इससे। वहीं भारतीय सेना को अरुणाचल पहुंचने में आसानी होगी। अरुणाचल प्रदेश के चीन बॉर्डर तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे कम लगेंगे। पुल से 60 टन का लड़ाकू टैंक भी आसानी के साथ गुजर सकता है। चीन बॉर्डर तक भारतीय सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। और 2011 में हुई थी इस पुल को बनाने की शुरुआत। पुल की शुरुआती लागत 876 करोड़ रुपए थी। 2015 में प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना था। बाढ़ और बेमौसम की बरसात से प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हुई, और देरी की वजह से प्रोजेक्ट की लागत जो है वो बढ़कर 1,000 करोड़ रुपए हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस पुल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ड्रैगन की डराने वाले पुल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने पुल का मुआयना किया, और पीएम अकेले पुल पर चलकर दूर तक गए। और असम की इन तस्वीरों ने चंद महीने पहले जम्मू कश्मीर की उन तस्वीरों को भी याद दिला दी जब प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी टनल का उद्घाटन किया था। आपको याद होगा, ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ जो पुल आज देश को समर्पित किया गया, उस पुल पर वो अकेले नजर आए चलते हुए टहलते हुए, और एक तरफ अभी थोड़े दिन पहले की बात है जम्मू कश्मीर में जब टनल का उद्घाटन उन्होंने किया था। तो पीएम ने टनल के उद्घाटन के बाद टनल का मुआयना भी किया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें आपके समक्ष टेलीविजन स्क्रीन पर आपके। तो ड्रैगन को डराने वाला ये पुल और ये तस्वीरें।